हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैंने खाना वाना बना लिया है और बर्तन वर्तन भी धो लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं। तो आज मैं आपके साथ आज अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप मेरा मदद भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए आज आपके साथ मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरे पूरे दिन में कैसे कैसे मेरा पूरा दिन कटता है, किस तरीके से मैं अपना सारा काम जो है निपटाती हूँ। तो चलिए आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने सारे बर्तन जो है धो के और रख लिया है और पहले ही, और उसके बाद फिर मैं इन बर्तनों को जो है ना जगह पे सबको रख दूँगी। और ये देखिए गैस का भी हमने ये धुल के रखा था और इसको भी हम लगा देते हैं। और फिर बर्तनों को भी एक एक करके जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ रख दिए, क्योंकि हमारे पास अभी बर्तन का स्टैंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ना अपना सब टांग देते हैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए ये बर्तन हमारे, यहाँ पे हम कुकर के ढक्कन और ये चायदानी और कढ़ाही सब एक ही पे एक ही कील पे हम टांग देते हैं इसको। और फिर सारे बर्तन को हम ऊपर वाले अलमारी पे रख देते हैं, देखिए। और उसके बाद फिर हम चलते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। ये मेरा पहला ब्लॉग है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी इससे अच्छा करने के लिए। तो उम्मीद है मुझे आप सब अपना ऐसे प्यार देते रहेंगे। और ये सुबह में मेरे जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से क्या क्या करती हूँ। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम मच्छरदानी भी लगाते हैं क्योंकि बहुत मच्छर लगते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम मच्छरदानी को भी अब समेट के रख देते हैं। उसके बाद फिर हम बेड शीट हमें चेंज करना है क्योंकि 8-10 दिन हो गए हैं बेड शीट को चेंज किए हुए, तो हम इसको अब चेंज कर देते हैं। देखिए और प्लीज़ फ्रेंड, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है आप सब अपना प्यार मुझे ज़रूर देंगे। तो ये देखिए और ये जो कमरा है ना मेरा, ये वन रूम सेट है, तो ये बहुत ही इसमें परेशानी होती है, एक ही रूम है तो जगह भी बहुत कम है, लेकिन क्या करें मजबूरी है तो सब सही है। क्या कहा जाता है ना कि जितना रहे उतना ही मैं खुश रहना चाहिए, तो बस यही है। तो ये देखिए हमने बेडशीट बिछा दिया है, तकिया का कवर लगा के इसको रख देते हैं। फिर हम चलिए फिर कमरे में अपने झाड़ू लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा बिस्तर जो है लग चुका है, सही से हो गया है। अब चलिए हम अपने कमरे में जो है ना झाड़ू लगा लेते हैं, चारों तरफ पहले पोंछ देते हैं क्योंकि ऊपर में ना जिससे हवा हवा चलती है तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ जाता है, तो बेड के ऊपर में जो उसका सिंहासन है ना उस पर धूल मिट्टी जम जाता है, तो रोज़ के रोज़ मुझे क्लीन करना पड़ता है उसको। तो ये हमने यहाँ पर चारों तरफ, और ये आदर्श है ना, तो आदर्श चारों तरफ छोटे 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 खिलौने चारों तरफ फैलाए रखते हैं, तो इसलिए हमें सब समेटना पड़ता है और सब चारों तरफ हमें पोंछना पड़ता है। और उसके बाद जाके ये सब हम काम कर लिए हैं, उसके बाद चलिए हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो देखिए इधर भी इन्वर्टर भी मेरा है,
तो मैं इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। यही छोटे छोटे काम जो है ना बहुत टाइम लग जाता है करने में, छोटे छोटे कामों में ही बहुत टाइम बीत जाता है। और फिर बच्चा छोटा रहता है तब तक से, तो आपको पता ही होगा कि बच्चा छोटा रहता है तो सामान इधर उधर हमेशा करके रख देते हैं, और फिर जाके चारों तरफ जो है इधर का सामान यहाँ वहाँ का थोड़े बहुत इतने छोटे छोटे खिलौने भी चारों तरफ फैला के रख देते हैं। तो अब हमने चारों तरफ को क्लीन कर लिया है, अब हम लगा लेते हैं झाड़ू चारों तरफ। तो ये हमने लगा दिया है इधर भी झाड़ू। और आइए आपको मैं, मेरे कमरे के आगे भी मेरे बरामदा है तो मुझे उसको भी क्लीन करना पड़ता है। और फिर कमरा के इधर के साइड में है गैलरी बालकनी, तो उसको मैं अभी बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ आपको, क्योंकि अभी मेरे पास ट्राईपोड नहीं है। और जब मैं ले लूँगी ना तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी चारों तरफ का कि किस तरह से मैं कौन सा काम करती हूँ। तो ये देखिए, ये है, ये बरामदे में भी हम झाड़ू लगा लेते हैं। बरामदे में एक तख्त डला हुआ है, उसके बाद एक खाट है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो फिर जाके कमरा में बहुत गर्मी लगती है, कुछ भी चला लो, कूलर चला लो या पंखा चला लो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए हम लोग जो है ना बरामदे में ही, फिर जाके जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर बरामदे में ही सोते हैं, तो इसलिए तख्त भी डाल रखे हैं। और ये खटिया भी देखिए, आदर्श जो है अभी झाड़ू लगाए, अभी सारा जो है ना खिलौने इधर उधर फिर फेंकना चालू। अभी ये हम झाड़ू चारों तरफ लगा लिए हैं, अब पोंछा लगा लेते हैं कमरे में बरामदे में। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी क्लिक इधर का, और पूरा सही से मैं तब दिखाऊंगी जब मैं थोड़ा सा, और अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहला ब्लॉग है। और कहीं यदि बोलने में, यदि कोई काम में मुझसे गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है। और आप अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी आगे बढ़ाइए। तो ये देखिए, हम ये पोंछा भी लगा लेते हैं चारों तरफ। और ये देखिए, हमारे कमरे में जो है पोंछा लग चुका है, और किचन में भी लगा चुके हैं, और उधर हम बरामदे में लगा लेते हैं, फिर गैलरी में लगा लेते हैं। मैं जब लगा लेती हूँ ना तब मैं आपको दिखाऊंगी चारों तरफ क्या कि किस तरह से है। और किसी दिन मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगी किस तरह से मेरा कमरा है, बरामदा है, और इधर बालकोनी है, मैं आपको सारा दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी, आपके साथ मैं सारी बातें शेयर करूंगी। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगी सब, क्योंकि अभी मेरा शुरू शुरू अभी है, अभी तक से तो मैं अभी रेसिपी ही शेयर करती थी। आज मेरा मन किया कि चलिए आपके साथ मैं ब्लॉग भी अपना शेयर करूं, किस तरह से मेरा क्या काम है एक मिडिल क्लास के लोगों की। ये देखिए, हमने पोंछा लगा लिया है, उसके बाद जगह फिर ये हम कपड़े लेके आ गए हैं बाथरूम में। तो बाथरूम में जो हमने बाल्टी में इसको घोल दिया है सर्फ, और हम इसमें कपड़े सारे भिगा देते हैं देखिए। और फिर चलिए अब हम नहा के आते हैं। तो हम देखिए, अब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, नहा के आ गए हैं, और कल है शिवरात्र तो इसलिए तो हम नहा वहाँ के आ गए हैं। अब पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, फिर
आपसे मिलते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो हमारा देखिए पूजा हो चुका है यहाँ पे, अब मैं वहीं अपने छोटे से मंदिर में थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ और भगवान जी का आशीर्वाद ले लेती हूँ। ये देखिए हे फ्रेंड, तब मैं अब नहा धो के अपने सारे काम को निपटा के और आ चुकी हूँ अब, और मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, और मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय भी चढ़ाती हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी, देखती हूँ। आदर्श बोल रहे हैं मुझे मैगी खाना है, तो मैं आदर्श के लिए थोड़ा सा मैगी बनाऊँगी, और फिर मुझे अभी कपड़े धो के मैं रख के आई हूँ, उसे भी डालना है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे और क्या करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।